भारत के स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर का थ्रो किया। हालांकि वो 90 मीटर के ऊपर का थ्रो नहीं कर सके। लुसाने डायमंड लीग में अपने सीजन बेस्ट थ्रो से नीरज दूसरे नंबर पर रहे। नीरज ने डायमंड लीग मीटिंग सीरीज टेबल में टॉप 6 में रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। नीरज ने इस थ्रो के साथ खुद के पेरिस ओलंपिक में फेंके 89.45 मीटर के थ्रो को पीछे छोड़ दिया। नीरज ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। पहले 4 थ्रो में नीरज 85 मीटर तक भी नहीं पहुंच सके थे। उनका पहला थ्रो 82.10 मीटर, दूसरा 43.21 मीटर, तीसरा 83.31 मीटर और चौथा 82.34 मीटर का रहा था। अपने पांचवें थ्रो में नीरज ने 85.58 मीटर भाला फेंका। अपने आखिरी थ्रो में नीरज ने 89.49 मीटर पहुंचे।